तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बर्लिन की डेथ मनी हाइस्ट में क्यों हुई थी, क्यों जरूरी था बर्लिन का मरना। इससे पहले हम नैरोबी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो अगर तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए। लेकिन हाँ, उस ग्रीन सर्कल में उस कार्टून जैसे इंसान को आप पहली बार देख रहे हो, इस चैनल के दर्शन आपको पहली बार हो रहे हैं, तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को देखने के बाद आप बोलोगे कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। अगर सीजन 4 में सबसे ज्यादा इमोशनल कोई सा सीन है तो वह नैरोबी की डेथ का है, और अगर सीजन 2 की बात करें तो वो सबसे ज्यादा इमोशनल सीन है बर्लिन की डेथ का। और यकीन मानिए, मनी हाइस्ट का हर फैन उस समय रोता है। लेकिन हम इस शो के क्रिएटर एलेक्स मीना का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने पेड्रो एलोंसो को काम करने का मौका दिया फ्लैशबैक्स में। लेकिन क्या इसके पीछे का आप कारण जानते हैं कि बर्लिन मरने के बाद भी वापस कैसे आ गया, और बर्लिन कैरेक्टर को वापस लाया क्यों गया? शुरू के 2 सीजन में बर्लिन एक हाइस्ट के मेंबर होने ज्यादा एक विलन ज्यादा हैं। प्रोफेसर जो कि रॉयल मिंट की हाइस्ट के मास्टरमाइंड होते हैं, उनके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, और बर्लिन को एज अ लीडर अपॉइंट किया जाता है इस हाइस्ट का। प्रोफेसर की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह होती है कि किसी भी होस्टेज को नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन बर्लिन प्रोफेसर की बात नहीं मानता है, और मोनिका गस्तम्बिदे को गोली मारने का ऑर्डर देता है डेनवर को, क्योंकि वो एक फोन के साथ पकड़ाई जाती है। और दोस्तों, बर्लिन से दूसरी बार नफरत हमको तब हो जाती है जब वो टोक्यो को एक स्ट्रेचर पर बांधकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और पुलिस के हाथों पकड़वा देता है टोक्यो को। साथ ही तीसरी बार दोस्तों, बर्लिन हमको तब बुरा लगता है जब वो एक होस्टेस के साथ अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेता है। कहीं कहीं दोस्तों, बर्लिन हमको रूल्स फॉलो करने वाला इंसान भी दिखता है, तो कहीं हमको बर्लिन से बहुत ज्यादा नफरत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आफ्टरऑल हमारा ये क्वेश्चन आता है कि आखिरकार बर्लिन को इस शो में से हटाया क्यों गया। तो दोस्तों, शो के क्रिएटर एलेक्स मीना का कहना था कि उनको काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि बर्लिन नाम के कैरेक्टर को हटाया जाए। एलेक्स मीना ने अभी अभी एक इंटरव्यू में बताया है, साथ ही में इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया है कि दिस कैरेक्टर डज नॉट फिट विद द टाइम, ये कैरेक्टर टाइम के साथ फिक्स नहीं बैठता। बहुत से लोग ये मुझसे कहते हैं, यू शुड टेक हिम आउट ऑफ द सीरीज, उसे सीरीज से हटा दो। लेकिन एलेक्स पीना ने ऐसा नहीं किया, बल्कि दोस्तों, एलेक्स पीना ने ऑडियंस को ये जवाब दिया कि उल्टा बर्लिन की साइकोपैथी ने शो को और इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प की है, ना कि शो को प्लॉप बनाने में। देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या था कि मनी हाइस्ट के शुरू के 2 सीजन बहुत ही कम बजट में बनाए गए हैं, और सीजन 3 और 4 बनाने का उनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था। लेकिन दोस्तों, एलेक्स पीना ने आखिरकार ऑडियंस की बात मानी और बर्लिन को आखिरी में हटा ही दिया। लेकिन दोस्तों, एलेक्स पीना ने ऑडियंस की बात को भी रखते हुए बर्लिन को रिमूव कर दिया। लेकिन दोस्तों, बर्लिन जब रिमूव होता है तो लोगों के मन में उसके लिए एक अजब ही तरीका का प्यार उमड़ने लगता है। वो कैरेक्टर दोस्तों जिंदा जब तक रहता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वो जाता है तो हम सबके मन में उसके लिए बहुत प्यार, बहुत ही इज्जत आने लगती है। और दोस्तों, यही चीज एलेक्स पीना नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पे एलेक्स पीना ने ये भी नोटिस किया कि दोस्तों, पेड्रो एलोंसो के लिए बहुत ज्यादा फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, ट्विटर पे लोग उनके लिए बर्लिन बर्लिन लिखे जा रहे हैं। तो देखो, ये चीज एलेक्स पीना ने नोटिस करी और उन्होंने इससे शो को फिर से अनाउंस किया, कहने का मतलब मनी हाइस्ट सीजन 3 को अनाउंस कर दिया। और दोस्तों, कहानी में अब ऐसा लिखा गया कि बर्लिन को ऐसा फ्लैशबैक बताया जाएगा। एक्चुअली लगा सा तो पापिल जब स्पेनिश टेलीविजन पर टेलीकास्ट हुआ था तो वो एक नंबर का प्लॉप शो था, उसको कोई भी देखना पसंद नहीं करता था। एक्चुअली इस शो का ग्राफ शुरू में बहुत अच्छा गया, लेकिन बाद में इसकी पॉपुलरिटी बहुत कम होने लगी। साथ ही दोस्तों, एलेक्स पीना का ये भी कहना था कि इस शो को आगे टेलीकास्ट करने से बिल्कुल मना हो गया था, जैसे जैसे कर एंटीना 3 टेलीविजन इसको टेलीकास्ट कर ही रही थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि मनी हाइस्ट 21 एपिसोड्स की रिलीज होने वाली थी सीजन 1 में, लेकिन दोस्तों बाद में उसको 15 एपिसोड्स कर दिया गया। साथ ही में उनका ये भी कहना था कि हमें बिल्कुल नहीं पता था कि आप इस शो को इतना ज्यादा पसंद करेंगे। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर भी बहुत ज्यादा हैरानी होने वाली है कि ये शो सिर्फ 5 महीनों में शूट हुआ है, सिर्फ 5 महीनों में। उनका कहना है कि हम हर हफ्ते एक एक स्क्रिप्ट को डिलीवर किया करते थे और 5 महीने तक लगातार पोस्ट प्रोडक्शन का काम चला हुआ है, और 5 महीने की मेहनत के बाद फाइनली इस शो को टेलीकास्ट कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इतना अच्छा शो बनाने के बाद, इतनी अच्छी राइटिंग करने के बाद, इतना अच्छा सीक्वेंस, इतना अच्छा सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसके बाद भी ये शो नहीं चला। इस शो के दिन उस दिन से पलटे जिस दिन ने नेटफ्लिक्स ने इसको अपनी लाइब्रेरी में शामिल किया, और ये दोस्तों शो बन गया सबसे ज्यादा नॉन इंग्लिश लैंग्वेज देखा जाने वाला शो। फिर क्या था दोस्तों,
दोस्तों एलेक्स पीना ने अपनी सोच को थोड़ा और बढ़ाया और ऑडियंस के मन में मनिया इसलिए प्यार देखते हुए सीजन 3 और सीजन 4 के लिए इसे रिन्यू कर दिया गया। लेकिन दोस्तों हम दाद देते हैं एलेक्स पीना जैसे क्रिएटर की कि बर्लिन के मरे होने के बाद भी हमको सीजन 3 में ऐसा बताया गया कि वो जिंदा ही है, हमें पेट्रो अलोंसो की कभी महसूस ही नहीं होने दी। तो दोस्तों इसी चीज के लिए एलेक्स पीना के लिए नीचे एक लाइक ठोक दो जिन्होंने मनी हाइस्ट जैसी वेब सीरीज का निर्माण किया और हमको एंटरटेन किया। हैट्स ऑफ टू यू सर। तो दोस्तों आप नीचे जाकर कमेंट करके बताइए कि आप बर्लिन को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों अगले वीडियो में हम ये भी रिवील करने वाले हैं कि बर्लिन सीजन 5 में रिटर्न होगा या नहीं होगा। और यकीन मानिए दोस्तों आपके लिए थोड़ी अच्छी मतलब अरे नहीं नहीं अगले वीडियो में बताऊंगा भाई वो तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार, नहीं आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना यार, सच में बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते क्योंकि हम ऐसे धांसू वीडियो लाते रहते हैं। साथ ही हम आपको देते रहते हैं मूवीज रिकमेंडेशन, फैक्ट रिलेटेड वीडियोस और ऐसे वीडियोस तो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। तब तक मिलता हूँ मैं आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।